गुड मॉर्निंग माय लवली किड्स, वेलकम बैक टू ईवीएस क्लास। किड्स, आप लोग अपने घर पे रह रहे हो ना, बाहर तो नहीं निकल रहे हो घूमने फिरने। बिल्कुल अपने घर में रहना है और सेफ रहना है, और घर में बार बार अपने हैंड वॉश करते रहना है, कोई भी चीज छूने से सैनिटाइज करते रहो अपने हैंड को, और सारे वायरस से दूर रहो। क्योंकि आप घर पे जितना ज्यादा से ज्यादा रहोगे उतना ही आप सेफ रहोगे, है ना। तो घर पे रहना है बिल्कुल भी नहीं, और सारे अपने सारे वेजिटेबल्स फ्रूट्स सब खाते रहिए ताकि आप हेल्दी रहो, आपको कोई भी वायरस छू भी ना सके, है ना, और देखे भी आपको तो वायरस डर के भाग जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी ईवीएस क्लास का प्रैक्टिस बुक। तो चलते हैं हम अपने प्रैक्टिस बुक में। आप हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था, तो फर्स्ट चैप्टर के बाद अपना नेक्स्ट पेज हम देखिए क्या है, पेट एनिमल्स, है ना। कौन सा है किड्स? पेट एनिमल्स। तो आप लोग अपने घर में पेट पाले हो कि नहीं? अच्छा, किसके घर में कौन कौन सा पेट है, बोलो बोलो जल्दी से। अच्छा, जो कोई डॉग पाला होगा, कोई पैरेट, है ना, तो इस तरह से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर पेट एनिमल्स। तो जल्दी से आप लोग अपना पेंसिल और इरेजर पकड़ लीजिए, और अपनी टर्म टू प्रैक्टिस बुक, ये आपकी टर्म टू प्रैक्टिस बुक अपना ओपन कर लीजिए यूकेजी की, ठीक है किड्स। और फिर उसके बाद हम चैप्टर करेंगे एनिमल लाइफ के बाद। वन सेकेंड किड्स, पेट एनिमल्स देख रहे हैं किड्स, पेट एनिमल्स। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पेट एनिमल्स, ये चैप्टर है बी। तो सब लोग देख रहे हैं ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आप लोग अपना पेंसिल और इरेजर पकड़ लीजिए, आइए स्टार्ट करते हैं लिखना। तो किड्स देखिए, आपका ये पेट एनिमल्स हमारा क्या है चैप्टर, पेट एनिमल। आइए नीचे देखते हैं, ये पेज नंबर 30। कौन सा पेज नंबर है? 30। सबने ओपन किया पेज नंबर 30। चलिए अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, विच इज अ फेथफुल एनिमल। फेथफुल एनिमल कौन है? द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। With second question, which bird can talk? कौन सा बर्ड है जो हमारी तरह बातें करता है, जल्दी से बताओ फटाफट। मैम बताए भी है, पैरेट। अ पैरेट कैन टॉक। चलिए अब आते हैं हम चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है किड्स। फर्स्ट, डैश लाइक्स टू ईट कैरेट। तो बताइए फटाफट, कैरेट कौन खाता है? पैरेट, कैट, रैबिट। कौन खाता है? रैबिट। तो चलिए ये रैबिट की स्पेलिंग हम यहाँ डैश में लिखते हैं। तो सबसे पहले आर लिखिएगा, ऐसे आर लिख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना मैम, जैसे लिख रही वैसे ही वैसे लिखिएगा। ए डबल बी आई टी, रैबिट, ठीक है किड्स। रैबिट लाइक्स टू ईट कैरेट, ठीक है। रैबिट यहाँ सी में है ना, सी को टिक करिए, और बॉक्स में भी सी लिखिए, ठीक है किड्स। सबने लिखा रैबिट लाइक्स टू ईट कैरेट, रैबिट को बहुत पसंद है गाजर। चलिए सेकेंड पॉइंट आते हैं, डैश इज ए पेट बर्ड। आपका पेट बर्ड क्या है? घर में कौन सा पेट बर्ड रखते हो आप लोग? पैरेट हम लोग रखते हैं ना, क्या क्रो रख सकते घर में? नहीं। और डॉग, डॉग तो बर्ड होता ही नहीं है, डॉग तो एनिमल है। तो चलिए क्या है इसका सही आंसर, पैरेट। पैरेट का स्पेलिंग लिखते हैं, पी ए डबल आर ओ टी, पैरेट। पैरेट इज ए पेट बर्ड, पैरेट यहाँ बी में है, इसे टिक करिए, और यहाँ पे बी लिखिए, हो गया। एक बार रिवाइज करते हैं हम फिर से, रैबिट लाइक्स टू ईट कैरेट, पैरेट इज ए पेट बर्ड, ठीक है किड्स। दोनों आप लोगों ने लिख लिया अच्छे से, देख रहे हैं ना सब, एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए कि आप लोगों ने ऐसे ही लिखा है और टिक भी किया है, और दोनों बॉक्स में भी लिखा है। चलिए आगे देखिए बच्चों, आगे क्या है, हमेशा की तरह हमारा होमवर्क, और होमवर्क हम किस में लिखते हैं, कर्सिव में।
तो हमारा ये फर्स्ट क्या लिखा है, फेथफुल, इसे हम क्या कहते हैं, फेथफुल। तो एफ ए आई टी एच एफ यू एल, फेथफुल हो गया, सबने लिखा फेथफुल। गार्ड्स, जी यू ए आर डी एस, गार्ड्स। ठीक है, दोनों बॉक्स में गार्ड्स की स्पेलिंग लिखिएगा, इधर दोनों बॉक्स में फेथफुल। चलिए आते हैं चेज, सी एच ए एस ई, चेज। टॉक, टी ए एल के, टॉक। ठीक है, टॉक की स्पेलिंग भी दोनों बॉक्स में लिखिएगा। बर्ड, बी आई आर डी, बर्ड। बर्ड की स्पेलिंग ये दोनों बॉक्स में लिखिएगा। अब आते हैं लाइक, लास्ट हमारा क्या है, लाइक, एल आई के ई, लाइक। लाइक की स्पेलिंग भी यहाँ दोनों बॉक्स में लिखिएगा। तो देख लिया किड्स, देख लिए ना आप लोगों ने, होमवर्क कंप्लीट करके उठना और वो भी कर्सिव में सुंदर सुंदर लिखिएगा। ठीक है, रिपीट कर देते हैं, रैबिट लाइक्स टू ईट कैरेट, पैरेट इज ए पेट बर्ड। ठीक है किड्स, किड्स हमारा ये पेट एनिमल चैप्टर कंप्लीट हो गया। पेट एनिमल्स आप लोगों ने लिख भी लिया मैम के साथ साथ, और होमवर्क तो हमेशा की तरह घर में करना है आगे, है ना। तो अपना होमवर्क अभी कर उठिएगा, ऐसा नहीं कि अभी रख दो और बाद में होमवर्क करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, आप लोग अपना होमवर्क अभी ही कंप्लीट करना। ठीक है, चलिए आज के इतना ही, थैंक यू।